राजस्थान सरकार की ओर से ई सिगरेट पर लगाए गए प्रतिबंध क्रियान्वयन को लेकर वाग्धारा संस्थान की ओर से मीडिया वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने प्रदेश को तंबाकू मुक्त करने की जरूरत बताते हुए राज्य सरकार के कदम को सराहनीय बताया। उन्होंने कहा कि ई सिगरेट में तरल निकोटीन बैटरी से भाप बनाकर शरीर के अंदर जाता है, जिसके साथ 500 तरह के अन्य हानिकारक तत्व भी शरीर के अंदर चले जाते हैं, जो नुकसानदायक है। साथ ही ये भी कहा कि तंबाकू से न केवल शारीरिक नुकसान होता है, बल्कि समाज में व्यक्ति पूरी तरीके से खोखला हो जाता है। यहाँ पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मूलतः राज्य सरकार को धन्यवाद देने के लिए किया है कि राज्य सरकार ने इस विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर मुख्यमंत्री जी के इनिशिएटिव से इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट को राजस्थान में हर प्रकार से प्रतिषेधित करने के लिए एक जो है वो बड़ा मजबूत निर्णय लिया और ऑर्डर पास किया है, और उसका हमने जो है वो निश्चित रूप से, जैसा गोविंद जी ने बताया कि उसको हमने फलीभूत होते हुए भी देखा कि हम एक बहुत बड़ी रेड कर पाए और 15 लाख का जो है वो हमने माल असबाब पकड़ा है। राज्य सरकार के द्वारा सभी CMHOs को डायरेक्शन दिए गए हैं कि वे अपने अपने क्षेत्रों के अंदर ई सिगरेट जहाँ पे भी है उस पर औषधि नियंत्रण अधिकारियों के साथ एक टीम गठित करके आवश्यक कार्रवाई संपादित करें। उसके लिए ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स को भी डायरेक्शंस दिए गए हैं। तो ड्रग एक्ट के तहत जहाँ पे भी कॉन्ट्रावेंशन होगा हम आवश्यक कार्रवाई संपादित करें।